प्रिया ताहिल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक और केस में जमानत मिल गई है, लेकिन आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि जमानत मिलने से पहले ही आजम खान पर एक और केस दर्ज हो गया है जिसका वारंट भी जारी हो गया है। वहीं आजम खान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। सपा नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आजम खान ने सत्ता के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग किया था। अदालत ने पूर्व मंत्री को अंतरिम जमानत दे दी है जो उनकी उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर दी गई है। वहीं 40 पन्ने के फैसले में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े एक मामले पर हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि आजम खान अपने सपनों को पूरा करने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर कारोबारी की तरह काम करते रहे। इस मामले में कई जगह ठगने जैसा काम किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केवल वस्तु ही पवित्र नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके साधन भी सही और पारदर्शी होने चाहिए। यूनिवर्सिटी का निर्माण करना एक अच्छा काम है, लेकिन उसे तैयार करने में इस्तेमाल किए गए साधन और कदम सही नहीं है। आजम खान पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच ने कहा कि कैबिनेट मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति जब कपटपूर्ण आचरण करता है तो उसे जनता का विश्वास डगमगाता है। ताकत मनुष्य को भ्रष्ट करती है, अगर पूरी ताकत मिल जाए तो पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। पूरी ताकत मिलने पर आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ता। अदालत ने अपने फैसले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों का उदाहरण देते हुए कहा कि उच्च लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन की पवित्रता बेहद जरूरी है। धर्म की आड़ में अवैध तरीके से जमीन हड़पना कतई ठीक नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में महान विचारक और दार्शनिक सेनेका के कथन का भी उदाहरण दिया है। अदालत ने कहा, धर्म को लोग सत्य, बुद्धिमान लोग असत्य और शासक उपयोगी मानते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा, इस केस को देखने के बाद ये लगता है कि ये सिद्धांत आज भी चल रहा है। आपको बता दें, कोर्ट ने इन्हीं तल्ख टिप्पणियों के साथ आजम खान को पूर्णकालिक जमानत नहीं दी, सिर्फ अंतिम जमानत दी है। वहीं कोर्ट ने अंतिम जमानत भी उनकी 72 साल की उम्र और खराब स्वास्थ्य की वजह से दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।